चर्चा करूंगा। मॉर्निंग मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे हिसाब से आई थिंक क्यूमिन्स इंडिया इज समथिंग दैट मार्केट्स में इंडिया इज प्रिफरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दो चीजें आशीष जी बहुत साफ हो रही है, आई थिंक जो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है और जो क्यूमिन्स इंडिया का मिक्स है, एनर्जी जनरेशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन 28-28%, एक्सपोर्ट 27% और इंडस्ट्रियल यूसेज जो वेरियस एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज के लिए अलग प्रकार के इंजिन बनाते हैं वो 18% के आसपास, तो डिवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स है। और जो ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन ये कंपनी कर रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले चुकी हैं, सो फ्यूल सेल, बैटरी ड्रिवन बसेस ऑटोमेटिव के लिए, हाइड्रोजन पावर ट्रेन कंसोर्टियम से ऑब्वियसली काम कर रही है दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और इसलिए आई थिंक अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टोरेज, फ्यूल सेल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों में आएंगे, नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक मार्केट्स बट विल ऑल्सो सपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ। रेलवेज आई थिंक खास करके जो इन्होंने इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक का एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले तिमाही में आ जाएंगे, दैट शुड क्रिएट सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन क्योंकि हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा आई थिंक जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी डेटा सेंटर्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल रियलिटी, आई थिंक क्यूमिन्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रल पार्ट इन ऑल दिस। रिस्क फैक्टर्स आई थिंक जरूर है जो सारे कंपनीज को अफेक्ट होंगे, हायर इनपुट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, हायर एनर्जी कॉस्ट, पर कहीं ना कहीं आई थिंक जो बेटा मार्जिन है 12-13% के रेंज में रहने चाहिए। डिविडेंड यील्ड विथ इंप्रूविंग ऑर्डर्स, हायर मार्जिन, इंप्रूविंग कैश फ्लोज, जो 1.5% ये कंपनी पोस्ट करती है शायद 2% तक जाए अगले 1-2 वर्षों में, ये हमारा अनुमान है। तो मैं लगता है आई थिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्यूमिन्स इंडिया। वी आर लुकिंग एट अ 20% पोटेंशियल अपसाइड, विच मींस लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 1270-1275 के आसपास। और क्योंकि उनील में हम स्टॉप लॉस का भी एक प्रावधान रखते हैं टू मैनेज रिस्क, स्टॉप लॉस एट 970 is something that we are going out with. The clear disclaimer, Ashish ji, ye stock mere personal holding mein hai nahi, but clients ko bataya gaya to clients ke paas ho sakta hai. Badhiya move aaya tha Cummins mein, aur Cummins jo hai apne previous highs ke aas paas aapko is samay kaamkaaj karta hua nazar aayega, aur jis tarah se jo न्यू एज टेक्नोलॉजीज की तरफ एक कंपनी स्मार्टली मूव कर गई है, अपने पीयर्स से कहीं आगे है, ये स्टॉक रखिएगा रडार पे। 970 के स्टॉप के साथ पोजिशनली यहाँ पे 1.75 तक के जोन तक जाने का दमखम। बढ़िया, तो क्विकली रैप अप कर देता हूं जो स्टॉक्स एक्सपर्ट्स के प्रेफर्ड प्लेज हैं या जो बड़े आज के बेट्स हैं। आज से शुरुआत हुई थी जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने का कॉल, तो मेटल्स आज फिर रडार पे हैं, और अगर जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करनी है कॉल्स के थ्रू तो 710 के कॉल के थ्रू भी उस तेजी को आप राइड कर सकते हैं। सतपुते साहब, कल रिलायंस और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे बुलिश थे, आज एक और टेक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर, टेक महिंद्रा आज का लेकिन प्रेफर्ड प्ले, खरीदारी करने का मन 1500 के स्टॉप के साथ। अच्छा, सिर्फ सतपुते साहब नहीं, गावा सर भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर बुलिश है, और आज LTTS लार्सन टूबलो टेक्नोलॉजी सर्विसेज रखी रडार पे, खरीदारी करने का वहां पे मन। मानस ने कहा बजाज फिनसर्व, इसमें वो खरीदारी करना चाहते हैं, और 16250 का स्टॉप लगाइएगा। मानस के आज सुबह के जो प्रेफर्ड स्टॉक्स थे वो भी कुछ देर बाद आपके सामने ले आऊंगा मैं, आज सुबह भी मानस जुड़े थे, रोज जुड़ते हैं सुबह 7 बजे, तो मानस ने आज भी कुछ बढ़िया स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करे। चतुर्मोदा साहब कह रहे हैं दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ आपकी स्क्रीन पर खरीदारी का कॉल है, या फिर 2540 के कॉल के थ्रू भी रिलायंस की तेजी को भुनाया जा सकता है। बढ़िया मोमेंटम में ये स्टॉक, कल भी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। रचना जी ने कहा SBI, और SBI किसी भी गिरावट में जरसल खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, 491 के स्टॉप के साथ वो बाइंग इनिशिएट की जा सकती है SBI के फ्यूचर्स में। और पोजिशनली जो स्टॉक पसंद आ रहा है विलियम ओनील को, मरेश जोशी की टीम को, वो है कमिंस इंडिया, जो अपने हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है, 970 के स्टॉप के साथ 1270 के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। दे रहे आज के प्रेफर्ड कॉल्स, हर्षदा जुड़ चुके हैं स्टॉक्स इन न्यूज के लिए, लेकिन पहले मयूरेश आपके पास आ रहा हूं, ये बॉन्ड यील्ड्स 2.4 के लेवल्स के ऊपर बहुत हॉकिश फेड की कमेंट्री, फिर ये यूएस में इस तरह का पुलबैक, इस तरह का रेजिलियंस क्यों आ रहा है, पूरा ग्लोबल इक्विटीज क्यों इस तरह से उत्साहित हो रही है, डर लगना बंद हो गया है क्या? नहीं, टू लार्ज एक्सटेंट आई थिंक जितनी न्यूज थी आई थिंक वो जस्टेड हो चुकी है मार्केट्स में, और अभी मार्केट्स ये भी मान के चल रहे हैं कि आई थिंक जो इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्टरी है
ये शायद कूल ऑफ हो अगले कुछ महीनों में, हालांकि ये जो एक ट्रांजिशन पीरियड है ये थोड़ा पेनफुल जरूर रह सकता है। तो आई थिंक मार्केट्स जैसे हम भी होते हैं, आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक होता है फ्यूचर को देख के, और मार्केट्स को यही लग रहा है कि एक तिमाही तक शायद ये पेन बरकरार रहे, शायद एक अग्रेसिव रेट हाइक फेड से आए भी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं यूएस मार्केट्स में, आई थिंक वो भी अब तक बरकरार है। एंड एट सम स्टेज आई थिंक जो हम यूएस एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे, फेड विल ड्रॉ वेरी थिन लाइन, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए तो ग्रोथ को हैम्पर करेगा और शायद रिसेशनरी ट्रेंड्स में डाल सकता है यूएस को, सो दे डोंट वांट टू प्रॉबली डू दैट, इसलिए फाइन लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे मार्केट्स को सहारा मिल रहा है। वही है तो थोड़ी सी हेडविंड्स, लेकिन बाजार आगे के फैक्टर्स को प्राइस इन करता हुआ। वैल्यूएशन ने कहा इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्टरी कूल ऑफ होती हुई आगे शायद नजर आए, अभी तो इन्फ्लेशन ने ग्रिप करना शुरू करा है हम भारतीयों को। अर्शदा जुड़ चुकी है उसी इन्फ्लेशन के थ्रू, कई सारे स्टॉक्स मैप करके बताएंगे आपको। अर्शदा, पेट्रोल डीजल स्टील, अब तो गैस भी सबके दाम बढ़ने शुरू, और आगे फिर खाने पीने की बातें भी होंगी जब आप लोग पार्ले से आज पार्ले का मैनेजमेंट, कल एफएमसीजी इकलौती पॉकेट जो बहुत वीकनेस के साथ फिर से ट्रेड कर रही थी, एफएमसीजी के मैनेजमेंट तो आजकल रूबरू हो नहीं रहे इस टफ टाइम्स में, तो एक नॉन लिस्टेड एंटिटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी स्पेस की पार्ले प्रोडक्ट्स के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ आज 10:15 होंगे, तो समझेंगे दरअसल एफएमसीजी स्पेस में हो क्या रहा है। लेकिन अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कितने बढ़ रहे हैं, बहुत सारे और बढ़ रहे हैं आशीष, और लग रहा है कि ये सिलसिला तेजी का यानी कि दाम बढ़ने का जारी रहेगा। कच्चे तेल के दाम कल ही हम कह रहे थे कि करीब जो आसमान छू रहे थे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के प्राइस में आज दूसरा दिन है जहां पर हमने देखा है दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है, आज फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो कल और आज में आप देखें 1.60 रुपए दरअसल महंगा हो चुका है डीजल और पेट्रोल का दाम, तो ये इनफैक्ट आज एक और बड़ी डेवलपमेंट आती हुई। दूसरी तरफ स्टील प्राइसेस में भी अब तेजी देखने को मिल रही है, कंपनी ने धीरे धीरे करके पहले भी दाम बढ़ाए हैं और आज फिर वही हुआ है। तो ये स्टील मिंट की रिपोर्ट कह रही है कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने रीबार के दामों में करीब 1200 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी लाई है, साथ ही साथ सेल की तरफ से भी जो HRC और CRC है यानी कि हॉट रोल्ड कॉयल और कोल्ड रोल्ड कॉयल के दामों में 1500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है, और ये लागू होगा दरअसल इस महीने के अंत से, तो यानी कि 1 अप्रैल से इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कल हम ये भी बात कर रहे थे कि गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। गुजरात गैस ने दरअसल CNG के दाम बढ़ा दिए हैं, इन्होंने 3 रुपए से CNG के दाम बढ़ाए हैं, तो अब प्रति KG 70 रुपए 53 पैसे आपको देने पड़ेंगे उस CNG के लिए। तो ये फिलहाल एक अपडेट इन्फ्लेशन फ्रंट पर जो पारा है लगातार बढ़ रहा है। ठीक भैया, सब बढ़ गया, पेट्रोल डीजल कल क्वेश्चन मार्क था कि एक बार बढ़ेगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा, 80 पैसे के ही क्वांटम से आज फिर पेट्रोल डीजल और महंगा होता हुआ। खैर, बड़ा एक गैप है जिसे ब्रिज करने की जरूरत है और अब एग्रेसिवली शायद उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो गुजरात गैस में 3 रुपए KG CNG की कीमतें बढ़ने की खबर और एक पिटा हुआ स्टॉक। पहले मयूरेश, फंडामेंटली ये गैस स्टॉक्स गुजरात गैस वगैरह अब जब ये पास ऑन कर रहे हैं, बहुत पिटे हैं ऑफ लेट, आप लोग खरीदारी कर रहे हो कि गैस स्टॉक्स में अधूरी हो अभी भी? नहीं, थोड़ा आई थिंक ये स्पेस से आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आई थिंक दो चीजें, आई थिंक 1 अप्रैल को वापस एक रिविजन आएगा जो 6 मंथली रिविजन होता है, और जैसे गैस की कीमतें बढ़ रही है ग्लोबली और हमारी जो आई थिंक एक 6 baskets की एवरेज रहती है गैस प्राइसिंग में, एक डेफिनेट इंक्रीज गैस प्राइसिंग में होगा 1 अप्रैल से। अभी आई थिंक जो रिटेल स्टॉक कमर्शियल यूसेज है स्टॉक्स लाइक MGL हुआ या IGL हुआ, वहां पे आई थिंक फ्लो थ्रू या पास थ्रू होता है प्राइसेस का, वो इतना इम्पैक्ट नहीं लाता, क्योंकि घर पे जो हम गैस कंज्यूम करते हैं या आई थिंक जो गाड़ियों में होता है वो एक मार्जिनल इंक्रीज आता है और वो यूसेज शायद कम ना हो बिकॉज दैट इज नीडेड फॉर योर एवरीडे लाइफ। हाउएवर आई थिंक जो गुजरात गैस इंडस्ट्रियल गैस और सप्लायर्स को प्रोवाइड करती है वहां पे आई थिंक विद इंक्रीज प्राइसेस जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको शायद थोड़ी अनवायबिलिटी होती है, एंड डू दे प्रॉब्ली गो बैक इन टर्म्स ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव यूजेस। हालांकि बैन किया है गुजरात सरकार ने इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दैट और क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस है। हाउएवर आई थिंक स्मॉल यूनिट्स फाइंड इट अ लिटिल बिट मोर अनवायबल, स्पेसिफिकली आई थिंक जो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक कितना पास थ्रू है, क्या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है,
ये थोड़ा देखना पड़ेगा, इसलिए हम वेट एंड वॉच रख रहे हैं ये सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। हालांकि आशीष जी, पोटेंशियल जबरदस्त है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो टारगेट है 6-15% की, और जो नए ज्योग्राफिकल एरियाज आएंगे, आई थिंक दैट विल गिव देम बूस्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट ये ट्रांजिशन फेज में शायद थोड़ा पेन रहेगा बैलेंस शीट। अच्छा, TCS के बायबैक का आखिरी दिन, बहुत तगड़ा रिस्पांस। मयूरेश, आपने क्या करा, आपने क्लाइंट से सरेंडर कराया क्या, स्टॉक टेंडर कराया क्या इस बायबैक में? और आमतौर पे जब तक बायबैक खत्म होता था, पिछले 3 बायबैक्स में यही हुआ था कि भाव उस बायबैक प्राइस के ऊपर पहुंच ही जाता था, इस बार मामला बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। नहीं, आपका बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन है, बट दो चीजें आशीष जी वापस यहाँ पे, एक आई थिंक जो हम मान के चल सकते हैं कि क्या ग्रोथ आ सकती है, और ग्रोथ बहुत जबरदस्त तरीके से आ सकती है पूरे आईटी सेक्टर के लिए। अगर आप अनुमान लगाएं कि पूरे सेक्टर के लिए जो एस्टिमेट्स है फ्रॉम 195 बिलियन टू 226 बिलियन डॉलर्स, जो क्लाउड कंप्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन ये सारी कंपनीज कर रही है, मुझे लगता है आई थिंक जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा दैट विल प्रॉब्ली ले पाथ टू मार्जिन्स बीइंग सस्टेन्ड एट हायर लेवल्स। हाँ, आई थिंक क्या डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स में थोड़ी गिरावट आ सकती है ट्रैवलिंग के बाद, क्या O&M एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ये सारी चीजें प्रॉबेबली आई थिंक मार्जिन पे प्ले आउट होगी, और मार्जिन विल स्टिल बी हेल्दी। तो मुझे लगता है आई थिंक मार्केट से आपके चल रहे, इवन लुकिंग एट द एक्सेप्टेंस रेशियोज इन टर्म्स ऑफ बायबैक्स, नॉट जस्ट फॉर TCS, अदर्स एज वेल, क्या आई थिंक अगर ये हो रहे हैं और प्रॉस्पेक्ट्स अगर अच्छे हैं तो होल्ड करके रखने में कोई इशू नहीं है। एज पर दी ओनील मेथोडोलॉजी, इवन इफ वैल्यूएशंस आर अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, मुझे लगता है आई थिंक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स TCS के बहुत बढ़िया है ओवर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। प्रॉस्पेक्ट्स बढ़िया है, कल बढ़िया मूव कर रहा था TCS, 2% का उछाल आया था, दिखा रहा था। लेकिन मयूरेश, बिक पाएगी क्या BPCL? जब आप 4 महीने से दाम नहीं बढ़ा रहे थे तो कोई प्राइवेट प्लेयर आके कैसे कम्पीट करेगा आप लोगों से? BPCL के पंप्स कैसे चलाएगा इस बीच में? नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल वाजिब है आशीष जी, बट 2-3 चीजें काफी अच्छी हो रही है ये सारे OMCs के लिए। जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक एक तो दाम बढ़ रहे हैं, विच मीन्स एक प्राइसिंग पे जो प्रेशर था वो शायद प्रोटेक्ट हो रहा है। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्रैक्स, और प्रोडक्ट क्रैक्स में जो आई थिंक एक बढ़ोतरी दिखी है, सिंगापुर GRMs have already touched $12.5 प्रति बैरल, आई थिंक दैट गिव्स एन एडिशनल बूस्ट रिफाइनिंग मार्जिन्स के लिए, कंपनियों के लिए। तीसरा, आई थिंक पाइपलाइन को जो कारोबार होता है यहाँ पे, जो रेट टैरिफ प्रोविजंस होते हैं दैट ऑब्वियसली बेनिफिट ऑल दीज कंपनीज सिग्निफिकेंटली। फोर्थ, आई थिंक जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट, जैसे हम पेटकेम प्रोडक्ट्स कहते हैं ऑन डाउनस्ट्रीम यूसेज, क्रूड के साथ निर्भर रहते हैं, और जैसे क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं इनके प्राइसिंग में भी एक अच्छी इजाफा होता है, और इसीलिए आई थिंक दैट प्राइसिंग पार्ट ऑन पेटकेम प्रोडक्ट्स विल आल्सो इंप्रूव। और फिफ्थ, जो SOTP प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट दे हैव डन, डिविडेंड यील्ड्स का भी अच्छी रहती है। हाँ, आई थिंक जो एक पॉलिटिकल प्रेशर रहता है नॉट टू इंक्रीज प्राइसेस इलेक्शन के टाइम पे, आई थिंक ये थोड़ा एक दिक्कत जरूर है, बट वंस आई थिंक दैट 100% स्टेक सेल इज प्रॉब्ली डन एंड कम्प्लीटली टेकन ओवर, मुझे लगता है आई थिंक जो बाकी के नियम किए हैं सरकार ने, आई थिंक डी रेगुलराइजेशन के, वेयर दीस गाइज कैन एक्चुअली डिसाइड कितने हाइक्स करने हैं, नहीं करने हैं, आई थिंक मार्केट शुड टेक दैट वेरी वेरी पॉजिटिवली। और एक डाइवेस्टमेंट हो गया ऑन दिस एस्पेक्ट, तो मुझे लगता है आई थिंक काफी अलग गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट भी खुल जाएंगे, विच कैन बी वेरी वेरी पॉजिटिव इवन ऑन द डाइवेस्टमेंट अप्रोच। तो मोमेंटम जरूर रहेगा OMCs के लिए लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो।